गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज से मैं अपने डेली रूटीन के व्लॉग डालने वाली हूँ। आज की डेट है 24 मई, तो देखते हैं कि ये कैसे व्लॉग की सीरीज चलती है। होप आपको ये मेरे व्लॉग अच्छे लगेंगे, और नहीं अच्छे लगे तो भी मुझे बताना, अच्छे लगे तो भी प्लीज बताना। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी बज रहे हैं 12, और मैंने ऑलमोस्ट अपने घर का काम कर दिया है। झाड़ पोछा हो गया है क्योंकि काम वाली नहीं आ सकती है ड्यू टू कोविड। तो एक साल से मैं ही अपने घर का काम कर रही हूँ, और फेस वॉश हो चुका है और ब्रशिंग वगैरह सब चीज कर ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर द कॉफी एंड फॉर द ब्रेकफास्ट। 12 बजे थोड़ा लेट है, बट जो भी है यही है। खाने में क्या आया आज मम्मी ब्रेकफास्ट में? प्लेन पराठे और आलू गोभी की सब्जी। पराठे ये बन रहे हैं और आलू गोभी की सब्जी तो दिखा दो एक बार। यम्मी। चलो यहाँ पे मम्मी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है और मैं बनाती हूँ कॉफी इतनी देर में। आलू गोभी की सब्जी, प्लेन पराठे, और ये है आम की चटनी। ये मम्मी बनाती हैं, मीठी चटनी होती है ये, और इसमें गुड़, कच्चे आम, उससे प्रिपेयर करा है मेरी मम्मी ने। मैं फ्रिज होती हूँ अपना खाना, मिलते हैं खाने के बाद। दोपहर से शाम हो चुकी है और मैंने खाना खाने के बाद अपने घर में थोड़ी सी डस्टिंग की, फिर खाने के बर्तन किए, और अब जाके मैं नहा धो के बैठी हूँ। अब फाइनली टाइम हो गया हमारा टी टाइम, तो जाके मैं चाय बनाती हूँ और मैं साथ में आपको मम्मी से भी मिलवाती हूँ अपनी। फाइनली मैं अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। तो ये बनी है चाय। चाय कैसी बनी है? अच्छी। मैंने बनाई है, और ये चाय और उसके साथ थोड़ी बिस्किट। चाय खत्म करने के बाद मिलती हूँ मैं अब आपसे। मीनवाइल नहीं है। गुड बॉय। ये है हमारा टाइगर, ये अभी सिर्फ 6 महीने का है, और ये मिक्स ब्रीड है। ओके बाय, जाओ चलो। नो तो बज गए रात के 9, और मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी, और उसी के साथ टाइम हो गया खाना खाने का, और देखते हैं क्या बना है मम्मी ने। तो खाने बनी है तोरी की सब्जी और करेला, और ये है तोरे की छिकल की सब्जी जो शायद किसी की संगे बनता हो पता नहीं, और रोटी। तो ये था मेरा आज का डेली रूटीन का ब्लॉग, और होप आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा सा छोटा बट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।